हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ जनरल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर किया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स दिस मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। तो ये नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि एक बच्चा ब्लू व्हेल प्रतिदिन कितने लीटर दूध पीता है। तो आपका आंसर है 190 लीटर्स, 190 लीटर जो है एक बच्चा ब्लू एक दिन में दूध पीता है। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट इज द जुरैसिक पीरियड नेम्ड। ऑप्शंस दिए हैं आपको, अ माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड, अ काइंड ऑफ डायनासोर, अ सॉसर हीरो, फ्रेंच वर्ड फॉर डे। मीन्स जुरैसिक काल का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड के एक पर्वत श्रृंखला है, एक तरह का ये डायनासोर है, या फिर एक फुटबॉल नायक है, या फिर दिन के लिए फ्रांसीसी शब्द है। सो क्या है ये? इट इज अ माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड। ये है ऑप्शन ठीक, अ माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड जुरैसिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ए बी ओ नेगेटिव या फिर ए बी? आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नहीं है? अब देखिए, ऑप्शन जो ए है दैट इज एबेकस, एबेकस ये है। ऑप्शन नंबर बी है एकेंथस, एकेंथस कौन सा है? ये वाला पौधा, ठीक है। उसके बाद है अकेशिया, इसको बबूल भी कहा जाता है। और उसके बाद है, तो पिक्चर्स देख के आप लगा पाएंगे पता, कि अबेकस जो है दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लांट, ये एक पौधा नहीं है। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अबेकस देखिए होता क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ बनाना प्लांट फिट्स इनटू व्हिच ऑफ दीज ग्रुप्स। केले का पौधा किस समूह में यहाँ फिट बैठता है? नंबर ए है ग्रासेस, घास में, ट्रीज पेड़ में, ये हर्ब्स में, जड़ी बूटी में आता है, फ्लावर्स या फूलों में आता है, किस ऑप्शन में ये फिट बैठता है? सो बनाना प्लांट फिट्स इनटू व्हिच ऑफ दीज ग्रुप्स, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज बनाना प्लांट जो है वो जड़ी बूटी में ही आता है, इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम व्हाट प्लांट वॉज पेपर ओरिजिनली मेड। मूल रूप से कागज किस पौधे से बनाया गया था? ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं। पहला है कैटेल, रोजमेरी, पपायरस एंड देन वीट। कैटेल देखिए ये वाला प्लांट है, ये वाला, ठीक है। रोजमेरी ये वाला प्लांट है, पपायरस ये वाला प्लांट है, और वीट गेहूं को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। पहले सबसे पहले जो कागज बनाया गया था वो बनाया गया था पपायरस से। प्राचीन मिस्त्रियों ने चर्म पत्र जैसा एक कागज बनाया था बेसिकली, जिसे पाइथस से पेपरिस भी कहा जाता है, और पौधे के डंठल से बनता है, ये पौधे के भीतरी भाग के डंठल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेहिसेंट प्लांट। तो सबसे पहले देखिए डेहिसेंट प्लांट होता क्या है। देखिए डेहिसेंट प्लांट बेसिकली वो होता है जिसमें कि जब पौधा पक जाता है, जब पौधे का जो फ्रूट है, जो उसका फल है, वो पक जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मुंह है वो खुल जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जांपल्स दिया है, या मटर का एग्जांपल दिया है, कुछ फलियों का एग्जांपल दिया है। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो जब पक जाते हैं, जब इनका फ्रूट जो है वो पक जाता है, तो इनका बेसिकली मुंह खुद खुल जाता है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ डेहिसेंट प्लांट स्प्लिट्स ओपन व्हेन इट इज राइप टू डिस्पर्स सीड्स। एग्जांपल्स आर पीस, बीन्स, पीनट्स, मैग्नोलियाज। टेक्निकली अ बनाना इज एन हर्ब। अब देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेहिसन प्लांट। पी जो है वो डेहिसन प्लांट है, बीन डेहिसन प्लांट है, मैग्नोलिया एक डेहिसन प्लांट है, बनाना हमने अभी पढ़ा है ये क्या है, एक हर्ब है, ठीक है। तो बनाना ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि बनाना इज नॉट अ डेहिसन प्लांट। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, हाउ मच ब्लड इज इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितना खून होता है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको, 2.2 लीटर, 5.7 लीटर, 8.1 लीटर, 9.3 लीटर, और आंसर है 5.7 लीटर्स। औसत मानव लगभग 5.7 लीटर रक्त ले जाता है, जिसको हम 192.7 ounces भी बोलते हैं,
और कुल मिलाकर ये रक्त की मात्रा शरीर में एक मिनट में दो बार फैलती है। द एवरेज ह्यूमन कैरीज 192.7 ounces means 5.7 liters of blood and altogether this quantity of blood circulates through the body twice a minute. Question number 9 देखें, how many facial muscles are involved in speaking? बोलने में चेहरे की कितनी मांसपेशियां शामिल होती हैं? ऑप्शंस दिए हैं आपको, चार ऑप्शन दिए हैं और आंसर है 70 मांसपेशियां, 70 muscles are involved in speaking. These are located in several parts of head, neck and mouth. बोलने में लगभग 70 मांसपेशियां शामिल होती हैं और ये कई हिस्सों में स्थित हैं जैसे कि सिर, गर्दन और मुंह। अब है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टेस्ट बड्स डू यंग पीपल हैव? युवा लोगों में कितने स्वाद की कलियां होती हैं, उनमें जो टेस्ट बड्स हैं वो कितने होते हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, आंसर है 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं एक युवा मानव में, और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ये रिड्यूस होकर कई बार 5,000 भी रह जाते हैं। जो हमारे टंग पे सेंसेशनल ऑर्गन्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है उनको कहते हैं टेस्ट बड्स। तो बेसिकली यंग पीपल में ये होता है 10,000 और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ये 5,000 रह जाते हैं। तो ये थे आज तक के 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।